بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد। इस लेक्चर में दोस्तों जो चीज हमने सीखनी हुई है कि आपने मैन्युअली अपने स्टोर के ऊपर लिस्टिंग्स किस तरह से करनी है वो हमने इसमें सीखना है। तो आइए मैं आपको पहले लिस्टिंग दिखा दूं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। ये वाली प्रोडक्ट हम लगाएंगे, ये बॉक्स है ठीक है, जिसमें पिक्चर खींचने के लिए इसे यूज करते हैं मोस्टली। छोटा छोटा सा होता है, इसके ऊपर लाइट लगी होती है, व्हाइट कलर का है बैकग्राउंड, इसका ब्लैक भी हो जाता है, चेंज कर सकते हैं आप, इस अप टू यू। तो ये वाली प्रोडक्ट हमें लगानी है, मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग प्रिपेयर की हुई है। तो अब हम ईबे का स्टोर खोलते हैं। ईबे का स्टोर आप देखें कि अगर आप ईबे का स्टोर खोलते हैं तो उसके अपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में माई ईबे है, वहां पर आप जाएंगे सेलिंग में। सेलिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको एक नई जो स्क्रीन है वो नजर आएगी, जिसमें आप ऊपर देखें सेलर हब के नीचे नाम लिखा होता है, ओवरव्यू है, ऑर्डर्स है, लिस्टिंग्स है, मार्केटिंग, ये सारे हेड्स इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में वो आपको एक्सप्लेन करके जाएंगे कि इनमें सबका क्या क्या फंक्शन है, उनको यूज हमने किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पर लिस्टिंग में जाता हूँ, क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट लिस्टिंग में मुझे इस तरह का कुछ एक जो है वो मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा, उसमें मैं पेस्ट करता हूँ इसका जो टाइटल था। टाइटल में 80 करेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम करेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको 80 करेक्टर्स लॉ करता है इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 80 के 80 ही यूज करें। व्हाइट है, स्मॉल लिखा हुआ है इसने, मैं कुछ टेक पिक्चर्स व्हाइट जी स्मॉल, यहाँ पर व्हाइट आ नहीं रहा पूरा, तो मैं अगर होता तो मैं व्हाइट कलर लिख देता। एनीवेज इसके बाद सबटाइटल आ जाता है। सबटाइटल अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसे देने पड़ेंगे, उनको 240 देने पड़ेंगे। कस्टम लेबल SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है ये, हमारा इंटरनल एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका इंटरनल ये एक सिस्टम होता है, आपने उनको कोडिंग दी होती है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट को SKU भी शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। आप वो आपकी वक्त हो तो अगर आपकी कंपनी में है तो आप रखते, अगर नहीं है तो ये लाजमी इसके बगैर भी लिस्टिंग हो जाएगी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ NASR 123 कर देता हूँ। कैटेगरी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, अगर नहीं करता तो आप उसको यहाँ पर ब्राउज कैटेगरीज में लेके जाए या फिर ये नीचे सजेशन दी होती है सॉरी उनमें से सिलेक्ट कर ले, लेकिन मोस्टली ये करता क्या है, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। शॉप कैटेगरीज, शॉप की कैटेगरी किस तरह से आपने बनानी है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा जी सॉरी, शॉप की कैटेगरी के ऊपर अलग से लेक्चर होगा, और यहाँ अगर आपने शॉप की कैटेगरी जैसे कोई बंदा आपकी शॉप को विजिट करे और वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ दिए होते हैं, नाम दिए होते हैं जैसे 100% कॉटन सॉक्स, 100% नॉन इलास्टिक सॉक्स, एनिमल स्किन, ये सारी जैसे क्लिक करेंगे तो जो जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर होगी शॉप में वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं न्यू अराइवल्स में इसको क्लिक कर देता हूँ। EAN मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो इसकी आप परचेज करने पड़ते हैं, अगर आपको अगर नहीं है तो आप डज नॉट अप्लाई कर दें। कंडीशन हमेशा हम लोग न्यू रखते हैं, अगर चीज न्यू हो तो न्यू कर देंगे, यूज हो तो यूज कर देंगे। एड फोटोज के ऊपर मैं जाता हूँ, सारी की सारी पिक्चर्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ही मरतबा, और ये अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अपलोड होगी हम वापस आ जाते हैं। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको आइटम स्पेसिफिकेशन में लेके चले जाता हूँ। आइटम स्पेसिफिकेशन बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशन होती हैं जो वहां पर मौजूद होती हैं। ब्रांड में मैं अनब्रांडेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। MPN मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नंबर डज नॉट अप्लाई कर दूंगा। लाइट बल्ब टाइप LED है, नंबर ऑफ लाइट्स यूनिट्स हमें यहाँ पर नहीं पता, मॉडल नंबर हमें नहीं पता, लाइट का कलर व्हाइट है मुझे इस चीज का पता है, डायमेंशन अवेलेबल है यहाँ पर, डायमेंशन में मैं ये चीज डाल देता हूँ 23 को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इधर जाके इसको यहाँ पर डाल दूंगा। वेट का मुझे नहीं पता, कस्टम बंडल क्या है ये भी नहीं पता, यानी जो जो चीजें आपको पता है आप इसमें डालते जाए, जो नहीं पता आप उसको ना, मैन्युफैक्चरर गारंटी है नहीं, कोई भी नहीं गारंटी वगैरह आपको। जब आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गारंटी, ब्रांड नेम, इस तरह की कोई भी चीज ना डालें, अदरवाइज आपके गले वो चीज फिट हो जानी है, प्रॉब्लम बन जाएगी आपको। अब यहाँ पर जो जो चीजें थी वो तो मैंने डाल दी, अब कुछ चीजें इस तरह की जो यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कैसे मटीरियल यहाँ पर अवेलेबल, मैं तो यहाँ पर कैनवस लिख देता हूँ, और इसके अलावा मुझे
इसका कलर लिखना है सीओएलयूआर, कलर वाइट है इसका जनाब वाला। इसके बाद फिर इसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इसकी शेप है। ओके जी, अच्छा जी, इस तरह से आप जितनी चाहें इसमें डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि जितनी इसमें स्पेसिफिकेशन, जितनी स्पेसिफिकेशन ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये इसको समझ लेंगे सर्च टर्म्स ही हैं। अब नीचे आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको फोटोज के ऊपर, मेरा ख्याल है अपलोड होगी सारी की सारी अपलोड होगी। कोशिश आपने ये करनी है कि वो वाली फोटो लगाएं जो आपकी सारे की सारी करेक्टरिस्टिक्स को बयान करती हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लगा दूं, मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये मेन फोटो, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मेन फोटो, ठीक है। तो ये जैसे खुलेगी तो ये वाली फोटो आपको नजर आएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाए। डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी क्योंकि मैंने सॉरी की हुई है, लिखी हुई है, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी मार लेता हूँ और हम इसे, अब याद रखिएगा कि जो अच्छी डिस्क्रिप्शन होती है ना वो एक मिनिमम भी जो है ना आप उसको लगाएं तो 1500 वर्ड्स की होनी चाहिए मिनिमम जो होती है, यानी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन मानी जाती है उसको। और डिस्क्रिप्शन हमेशा आप याद रखिए रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलीवेंट चीजें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे, रिसर्च करके डालेंगे अपनी प्रोडक्ट में, किसी और के लिए डालनी है तो वो मैंने बता दिया आपने अमेजोन से या किसी और जगह से आप उनको उठा लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने अपना टाइटल कॉपी करना है, टाइटल को कॉपी करके आप वहां पर पेस्ट कर देंगे ताकि उसको पता चल जाए कि प्रोडक्ट। एडवांस एडिटिंग में जाके मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है, ऐसे इसको चेंज ना कीजिए, मैं एक चीज आपको और बता दूं यहाँ पर, यानी प्रोफेशनल लुक के लिए ये जरूरी होता है कि फॉन्ट आपका सेम होना चाहिए और इसका साइज भी तकरीबन सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, हेडिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स के जो ना क्या नाम है उसकी उसका फॉन्ट सेम रहे लेकिन उसकी जो कह लें कि उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर दें अगर आपने करना है तो। अदरवाइज ये अगर सेम कलर में रहेगी तो अच्छी लुक बन जाती है इसकी, अगर नहीं रहेगी तो इतनी अच्छी नहीं। लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें जो कह लें कि इतना अच्छा नहीं लगता, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो आप कलरफुल कर ले, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको बुलेट्स दे दिए, मैं कहता हूँ कि जी 60 डेज रिटर्न पॉलिसी, बेस्ट कस्टमर सर्विसेज, ये मैं वैसे लिख देता हूँ तो यहाँ पर पॉलिसी लेना। अब नीचे जैसे आएंगे आप, फॉर्मेट है, सेलिंग डिटेल्स जो है वो आपने फिक्स प्राइस रखा है, यहाँ पर आप उसको ऑक्शन स्टाइल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। गुड टिल ड्यूरेशन इसकी कितनी है, गुड टिल कैंसिल कर देंगे तो ये यानी उस वक्त तक कैंसिल नहीं होगा, उस वक्त तक ये करेगा जब तक आप इसको उतारेंगे नहीं। स्केड्यूल स्टार्ट हो गया जी, आपकी इसकी प्राइस है, मैं कहता हूँ 9.99 में रख देता हूँ, VAT मेरे अभी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, अगर हो तो आप इसके ऊपर परसेंटेज जितनी चाहें लगाना चाहें तो लगा दे, 10 लगा दे, 20% लगा दे, आपकी मर्जी। क्वांटिटी जितनी भी आपके पास अवेलेबल है वो कर दें, आपको जो इंस्ट्रक्शन आपका कस्टमर या क्लाइंट देगा उसके हिसाब से करते, मैं यहाँ पर 10 डाल दूँ। ओके जी, ये देखिएगा कि आफ्टर, ये है रिटर्न ऑप्शन, यहाँ पर 14 डेज है, 30 डेज है, 60 डेज की है, क्योंकि इसका जो सर्च इंजन है वो उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है। अब ये सारी आगे डिलीवरी की डिटेल्स हैं, ये सारी डिलीवरी की डिटेल्स आपने एक मरतबे डालनी है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको शुरू में इसके ऊपर काम करना पड़ता है, अगर आप किसी का काम कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली बना कर देगा ये सारी चीजें, ठीक है जी। इंटरनेशनली किधर किधर लिस्ट करनी है ये भी हमने इसको ऑलरेडी क्लिक कर दिया है। ये अगर आपका अपना स्टोर है तो आपने इसके ऊपर खुद काम करना है, इनको किस किस जगह के ऊपर आप करना चाहते हैं पहले आप पता लगा लें कि जी किस कंट्री में कितने की बढ़ती है और उससे कुछ 3-4 पाउंड बढ़ाकर आप उसकी प्राइस लगा रहे हैं।
तो वो आपको वहां से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदे अपना काम कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेल इट फास्ट, प्रमोट योर लिस्टिंग। आप देखिएगा कि आप जैसे ईबे के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट आते हैं ना, उसके नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है, ये एड होते हैं जिसके हम ईबे को पे करते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें कि जी मैं कहता हूँ इसकी सेल प्राइस के ऊपर ये 55.10% जो है ना वो कह रहा है कि ट्रेंडिंग रेट चल रहा है। अगर आप आपकी लिस्टिंग 5.10 हम इस एड के थ्रू बिकती है ना, तो आपको एक्स्ट्रा 0.70 इंक्लूसिव ऑफ वीएस, ये आपको ये वाली अमाउंट उनको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ये वाली जो मैंने हाईलाइट कर दी। तो इस ये ईबे के ऊपर बहुत अच्छा ट्रिक है अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। मैं क्या करता होता हूँ, मैं नॉर्मल इसको डबल अप कर देता हूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट को ज्यादा अहमियत मिले। प्राइस में थोड़ा बहुत हम कंपनसेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं इसको। इसके बाद अगर आप मल्टी बायर में कर देते हैं कि जी बाय वन नो डिस्काउंट, अगर दो लेंगे तो 5% दूंगा, तीन लेंगे तो मैं आपको 7% दे दूंगा, चार लेंगे तो मैं आपको 10% दे दूंगा, या जो भी परसेंटेज आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आ जाता लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस। फीस की कोई नहीं है, हम इसको लिस्ट कर देंगे। लेट्स सी द रिजल्ट्स। अभी हमें इसने लिंक दे देना, ये लें व्यू योर लिस्टिंग, आपकी लिस्टिंग जो है वो चढ़ गई है ईबे के ऊपर। अब आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। अभी इसने वो मल्टीपल बाइंग ऑप्शन वाला शो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हर इस पाप की पूरी लिस्टिंग हो चुकी है इस वक्त। ठीक है जी, ये देख लें आप, और होपफुली ये आपको हेल्प करेगा और आपके कस्टमर्स को भी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।